आज मैं आपके लिए बहुत ही काम आने वाले छोटे छोटे किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जिसे फॉलो करके आप अपने रोज़मर्रा के काम को आसान बना सकते हैं। अगर आपके पास भी है कोई ऐसे बेहतरीन किचन टिप्स तो लिख भेजिए हमें अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। मेरा एक अदर चैनल है, प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उसे भी आप ज़रूर से देखें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। तो मेरी आज की जो पहली टिप है वो है हमारे किचन के जो क्लॉथ होते हैं यानी किचन के जो टॉवल होते हैं, ये काफ़ी ग्रीसी हो जाते हैं। कभी पराठे रखने की वजह से, कभी हम कुछ भी ऑयल के हाथ इनसे साफ़ कर लेते हैं, घी तेल लग जाता है तो बहुत गंदे हो जाते हैं, जिससे ऑयल इनके अंदर चला जाता है, जम जाता है, बिल्कुल भी अच्छे से ये साफ़ नहीं होते हैं। रेगुलर सर्फ से हम गर्म पानी में डालकर भी चाहे साफ़ करते हैं, फिर भी इनके ऊपर स्पॉट नहीं जाते हैं, काफ़ी चिपचिपे हो जाते हैं। एक बार तो ऐसा टाइम आ जाता है कितने ग्रीसी हो जाते हैं कि हमें इनको फेंकना ही पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे खासे होते हैं। तो आज मैं बताऊँगी कि इन्हें आप एकदम नए जैसा कैसे बना सकते हैं। एक बर्तन ले लें, बर्तन में आप 2 से 3 चम्मच विनेगर डाल दें यानी सफ़ेद सिरका डाल दें, 2 चम्मच आप नमक डाल दें इसमें, जो रेगुलर नमक यूज़ करते हैं वही लेना है। और फिर आप इस बर्तन को गैस पर रख दें और इसे उबलने दें। जब पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें 2 चम्मच भर के जो रेगुलर सर्फ आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डाल दें और पानी में उबाल आने दें, अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। आपके जितने भी किचन के क्लॉथ ग्रीसी हो गए हैं, चिपचिपे हो गए हैं, वो इस तरीके से डाल दें और आपको 10 से 15 मिनट तक या फिर 20 मिनट तक, जिस तरीके के आपके कपड़े उसी हिसाब के से आपको गैस पर रख कर इसे अच्छे से उबालना है। बीच बीच में आप इन्हें चेंज करते रहें, इनकी साइड को चेंज करते रहें और आपके जितने भी क्लॉथ हैं ग्रीसी चिपचिपे हो गए हैं, इनमें ग्रीस ऑयल की वजह से जम चुकी है, जो क्लीन नहीं हो रहे हैं, रेगुलर अगर हम साफ़ करते हैं तो इस तरीके से विनेगर डालने से इनके जो चिपचिपापन है वो सारा क्लीन हो जाएगा और ये बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। एकदम हाइजीनिक तरीके से आपके जो क्लॉथ हैं वो क्लीन होंगे। तो इस तरीके से आपको 2-3 बार इसको टर्न कर देना है, पलट देना है, अच्छे तरीके से ऊपर नीचे कर देना है और इसी तरीके से आपको इस पानी को उबलने देना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी कितना गंदा हो चुका है, ये देख सकते हैं जितना भी इनके अंदर ऑयल है, चिपचिपापन है, वो सारा पानी में आ चुका है। धीरे धीरे देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज होने लग गया है और सारा जो ऑयल है इनका वो पानी में आता जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसे 15-20 मिनट तक उबालें, उसके बाद ठंडा करने के बाद आप इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करके धो के सुखा सकते हैं। आपके जो क्लॉथ एकदम हाइजीनिक तरीके से बाजार जैसे नए हो जाएंगे। तो मैंने इन्हें वॉश कर लिया है और सुखा भी लिया है, देख सकते हैं एक भी स्पॉट नहीं है, एकदम क्लीन हो गए हैं नए जैसे। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताएं। मेरी जो अगली टिप है वो है यहाँ पर जो इस तरीके का हम किचन में पकड़ इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम पूरा दिन बर्तनों को उठाने रखने का, गर्म कोई चीज़ उठाते हैं रखते हैं। तो मेरे पास ये आयरन का है, काफ़ी काला हो चुका है, ग्रीसी हो चुका है, बार बार ऑयल वगैरह के हाथ लगते रहते हैं। तो आज मैं आपको एकदम नए जैसा चांदी की तरह चमकदार ये किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से इसे एकदम नए जैसा बना सकते हैं। आयरन का है, अगर आपके पास स्टील का है वो भी चिपचिपा हो चुका है तो उसे भी आप ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने वही पानी लिया है जिसमें हमने अभी क्लॉथ साफ़ किए थे, किचन के टॉवल साफ़ किए थे। ये गर्म पानी ही लेना है आपको, इस पानी को फेंकना नहीं, अच्छे तरीके से आप पानी में इसे डिप करें। बड़ा बर्तन ले लें और आप इसे डिप करके भी रख सकते हैं। ये बर्तन थोड़ा छोटा है इसलिए ये जो पकड़ है जिसे आप बर्तन पकड़ते हैं पूरा इसमें नहीं आ रहा है। तो मैं आपको दोनों साइड से इस तरीके से इसे डिप करने के बाद दिखाती हूँ, ध्यान से करें क्योंकि पानी बहुत गर्म है। अब देखिए 1 से 2 मिनट तक आप इसी तरीके से रहने दें और कोई भी जो टूथब्रश ले लें आप, जो किचन के कोई भी सामान को क्लीन करने के लिए आप रखते हैं, इसे रगड़ कर आप 2-3 मिनट तक साफ़ कर लें। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, बस केवल आप इसे 2-3 मिनट तक इस तरीके से रगड़ लें। जितने भी इसके अंदर मैल होगी, ग्रीस होगी, चिपचिपापन होगा, जो कालापन आ गया है इसमें, क्योंकि हम तेल वाले घी वाले हाथ सारा दिन इसको लगाते रहते हैं और ये काफ़ी ग्रीसी हो जाता है, जाम जैसा हो जाता है। इस तरीके से 1 से 2 मिनट रगड़ने के बाद फिर क्या करें कि आप इस पानी में ही 1/2 से 1 घंटा इसको रहने दें। इससे होगा ये कि जितनी भी इसके अंदर ग्रीस है, चिपचिपापन है, वो सारा अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। फिर इसे रगड़ कर आप किसी स्टील के स्क्रबर से साफ़ कर लें। तो मैंने 1 घंटे इसी पानी में रहने दिया था, फिर मैंने रगड़ कर 1 मिनट तक स्टील के स्क्रबर से इसको क्लीन कर लिया है, देख सकते हैं एकदम नए जैसा हो गया है। अगर आप इसे 2-3 घंटा और रहने देंगे इसी पानी में तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बाद में आपको स्टील के स्क्रबर से 1 मिनट तक अच्छे से रगड़ना है,
तब ये क्लीन हो पाएगा। लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा, तो अभी ये आयरन का है, अगर आपका स्टील का है तो वो भी बहुत जल्दी इस तरीके से एकदम नया जैसा हो जाएगा। मेरी अगली टिप है लेमन को लेकर। कई बार हम लेमन का हाफ इस्तेमाल करते हैं या उससे भी कम इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी जो लेमन इस तरीके से रख देते हैं सारा ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। अगर आप भी लेमन के कुछ ड्रॉप ही कभी ऐसे यूज़ करते हैं किसी चीज़ में, तो बाकी आप इस तरीके से ऊपर का जो हिस्सा है जितना आपने कटिंग की है उसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें, दूसरे वाले लेमन के ऊपर रखें और एक टूथपिक ले लें और टूथपिक इस तरीके से लगा के आप लेमन को 10 दिनों तक फ्रिज में रखेंगे तो ऊपर से आपका लेमन बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, एकदम फ्रेश रहेगा। मेरी जो अगली टिप है वो है सैलड को लेकर। कई बार हम सैलड काटते हैं, टमाटर हो तो टमाटर के पीस एक साइज़ के नहीं कटते हैं, टमाटर के पीस एक साइज़ के कटें इसके लिए आप टमाटर ले लें, जितने भी आपको सैलड बनाना है एक फोर्क ले लें, इस तरीके से टमाटर में फिक्स कर दें, फिर आप इसको काटेंगे तो एक साइज़ के आपके पीस कटेंगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आप चाहें तो दो फोर्क भी इस तरीके से लगा के टमाटर में काट सकते हैं। अगर आप एक ले रहे हैं तो फिर एक जगह से काट के फिर फोर्क को दूसरी जगह लगाएं, और ऐसे अगर आप टमाटर काटते हैं ना तो एकदम एक साइज़ के टमाटर कटेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी टमाटर का सैलड काटने में। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से एक साइज़ के पीस कट के तैयार हुए हैं। तो ऐसे आप बहुत आसानी से जब भी टमाटर का सैलड काटना हो या फिर प्याज का सैलड आपको बनाना हो तो आसानी से टमाटर को कट कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको आज के ये छोटे छोटे किचन टिप्स? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के टिप्स ज़रूर अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसे भी एक बार ज़रूर देखें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें।